सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग करता है, आपको अपने मोबाइल को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप जो है कुछ भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ओपन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हैंग कर देता है आपका मोबाइल, कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है मैं आपको 8 से 9 ट्रिक बताऊँगा, उनको अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो भी आपकी हैंगिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आप जो अपने जो है अपना डाटा होता है अननेसेसरी, जिसको आप यूज़ नहीं करते, फाइल्स वगैरह कोई भी फाइल्स लगा लीजिए, आपके जो है फाइल मैनेजर में हो सकती हैं, यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, आप देखिएगा उनमें से जो फोल्डर जो है फाइल्स वगैरह हैं उनको डिलीट कर दीजिएगा, जिनको आप जिनका यूज़ नहीं है, कोई भी फ़ोटो वीडियोज़ कुछ भी हो, फ़ोटो वीडियोज़ जो भी हो उनको आप डिलीट कर दीजिए जो फालतू में आपने रखी हुई हैं। सबसे पहले तो ये काम कर लीजिएगा। देन उसके बाद जो भी आपकी एप्लीकेशंस होंगी अनवांटेड, उनको फोर स्टॉप कर दीजिएगा। सपोज कर लीजिए आप जो है इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते, मैं यूज़ नहीं करता तो इस पर गया मैं और नीचे फोर स्टॉप का ऑप्शन है, फोर स्टॉप कर दूंगा इसको। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से, ये एप्लीकेशन है, नीचे फोर स्टॉप का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम है मेरा, यहाँ पर जाने के बाद नीचे फोर स्टॉप लिखा हुआ है, फोर स्टॉप पर गया, ओके कर दिया। यहाँ पर सभी एप्लीकेशन को आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, जिनको आप यूज़ नहीं करते सभी एप्लीकेशन को फोर स्टॉप करके रखिएगा, कि अगर फोर स्टॉप रखेंगे तो वो बैकग्राउंड में आपके वर्क नहीं करेंगी, तो ये काम आप करिएगा। आप जो है फिर सेकंड काम आपको क्या करना है, थर्ड काम, आप जो है जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे उनको आप जो है मूव कर लेंगे अपने SD कार्ड में, अपना जो मेमोरी कार्ड आपने मोबाइल में डाल कर रखा होगा, मोबाइल की मेमोरी खाली करके SD कार्ड में आप उसको रखिएगा, तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपकी मेन मेमोरी खाली रहेगी, फ़ोन की मेमोरी खाली रहने से मोबाइल हैंग नहीं करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और कभी भी जब भी आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में जो भी आपकी एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, जो भी आपने ओपन की होती हैं बैकग्राउंड से, उनको हटा दीजिएगा। अगर आप इनको हटा के रखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सिंगल एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे होते हैं सिर्फ उसको यूज़ करिएगा, ये काम आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है सपोज कर लीजिए बहुत सारी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करके रखी हुई हैं, वो आपका जो है मेमोरी भर देती हैं, तो मेमोरी भर जाती है तो उसकी वजह से हैंग करता है मोबाइल, तो सभी एप्लीकेशन जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं तो उन एप्लीकेशन को आप यहाँ से जो है जाकर अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने मोबाइल में, जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं इनको अनइंस्टॉल करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद अगर आप जो है अपने क्रोम ब्राउज़र से या किसी भी अदर ब्राउज़र से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा हुआ आपने, तो उस एप्लीकेशन को आप जो है अनइंस्टॉल करिए, सिर्फ आपको इंस्टॉल करनी है अपनी प्ले स्टोर की एप्लीकेशन को, उन्हीं को रखना होगा। अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखेंगे, जैसा कि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है बॉम्बिटॉप, अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कई बार बग्स वगैरह होते हैं आपकी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसके अंदर, जिसे हैंग करता है आपका मोबाइल, तो ये काम आप जरूर करिएगा। उसके बाद एक काम और करके देख लीजिएगा, आपका मोबाइल का पावर बटन दबाइए, अगर आपने मोबाइल को रिबूट कर लीजिएगा या फिर रिस्टार्ट कर लीजिएगा, जैसे आपका मोबाइल ऑन होगा फिर मक्खन आपका मोबाइल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये काम आपको जरूर से करके देख लेना है गाइस। एक काम और करिएगा, आपके प्ले स्टोर में आइएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, लॉन्चर, बहुत सारे लॉन्चर्स होते हैं जो आपके मोबाइल में होते हैं, ठीक है, आपने इंस्टॉल करके रखे होते हैं आपके मोबाइल में लॉन्चर्स, कोई भी लॉन्चर हो, नोवा लॉन्चर हो गया, पोको लॉन्चर, मैं आपको दिखा देता हूँ, नोवा लॉन्चर, कुछ इस तरह से एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारे लॉन्चर्स होते हैं, आप थीम वगैरह बदलने के लिए, अपने मोबाइल का लुक बदलने के लिए इनको डाउनलोड करके रख लेते हैं, बट ऐसा मत करिएगा, इससे आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग करते हैं, ऐसे लॉन्चर्स को आप अनइंस्टॉल जरूर से कर दीजिएगा अगर आपने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं तो। और उसके बाद जो है आप अपने मोबाइल में यूज़ करके रखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एंटीवायरस एप्लीकेशन अपने मोबाइल से वायरस हटाने के लिए आप रखते हैं, बट ऐसा ये वर्क नहीं करती है इतना खासली, तो इसको भी आप अनइंस्टॉल रखिएगा, एंटीवायरस कोई भी हो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा अपने मोबाइल से, ये काम आपको जरूर कर लेना है। और उसके बाद जो है आप ध्यान रखिएगा, आपके मोबाइल में क्लियर कैच करने के लिए स्पेशल होता है क्लीनर, बार बार इसको जो है क्लीन करते रहना है, अपनी मेमोरी को क्लीन करते रहिएगा, क्लीन कैच करते रहिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी गाइस, ये काम भी आपको जरूर से कर लेना है। देन उसके बाद आपको सेटिंग में आना है, अबाउट फ़ोन में आना है, अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है, कई बार अपडेट नहीं करने से भी आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपडेट जरूर से कर लीजिएगा, ये काम आपको जरूर करना है और आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, बस आज की वीडियो में आपको यही बताना था, होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।